नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि ये वीडियो महिलाओं से जुड़ा है। जी हाँ, सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की है, ई हाट। ई हाट योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और खुद को एक एस्टेब्लिश जगह पर देखना चाहती हैं। इस ई हाट के फायदे क्या हैं, इसका आवेदन आप कैसे भर सकते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ई हाट योजना है क्या। देखिए, इस योजना के माध्यम से भारत सरकार मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत काम करके बिजनेस की इच्छा रखने वाले महिलाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस करने का एक सुनहरा अवसर दे रही है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही व्यापारियों, एजेंसियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म इस योजना के माध्यम से प्रदान करने का उद्देश्य जारी किया गया है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके अपने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसका लाभ उठा सकती हैं। सुनना चाहेंगे तो सुनिए। इस योजना का लाभ केवल महिला वर्ग ही उठा सकती हैं और वो भी केवल मूल रूप से भारतीय। महिला की उम्र इस योजना में रजिस्टर करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक की हो। आवश्यक दस्तावेज के रूप में आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप इसके जरिए किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। कपड़े, बैग, फाइल और फोल्डर, पर्दे, बास्केट, सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम, खिलौने और भी अन्य प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विस को आसानी से घर बैठे ही बेच सकती हैं। महिला ई हाट योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे करें? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वेबसाइट के जरिए अपना ऑनलाइन रूप में आसानी से रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसी यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए आप महिला ई हाट की वेबसाइट पर अपने खाते को आसानी से मेंटेन कर सकती हैं। आपने जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने बिजनेस के लिए चुना है, आपको उसका फोटो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आप इस फोटो के जरिए अपने सर्विस या प्रोडक्ट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों और उनके दाम में संबंधित जानकारियों को भी यहां पर साझा कर सकती हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब आपको इस ई हाट के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन कुछ अन्य बातें हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी हैं, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। महिला ई हाट योजना से जुड़ी कुछ खास बातें। इस बिजनेस के अंतर्गत आप जो भी सेवा या फिर प्रोडक्ट बेच रही हैं, इसका सबसे पहले आपको मूल्यांकन करना है। इसमें आपको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की सेवाओं के बारे में जिम्मेदारी उठानी होगी। महिला ई हाट योजना के आधिकारिक पोर्टल पर किसी भी प्रकार की गैर कानूनी या फिर अविश्वसनीय वस्तुओं को नहीं दिखा सकती। यदि आप ऑनलाइन रूप में अपनी सेवाओं को इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर करने अपने कस्टमर तक पहुंचा रही हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी डिलीवरी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को सुनिश्चित करना होगा ताकि कस्टमर को सही समय पर प्रोडक्ट डिलीवर हो सके। बिजनेस को शुरू करने वाली महिलाओं को सबसे पहले अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही को पूरा करना होगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं अपने जिन प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल करेंगी, उस प्रोडक्ट या सेवा में महिला ई हाट का लोगो होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ई हाट योजना का लाभ उठाकर महिला आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और किस तरह के बिजनेस की बात आप सोच रही हैं या आप करना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।